श्री रामदेव पब्लिक उच्च प्राथमिक विद्यालय खानपुर में 76वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ में समस्त ग्रामवासियों की उपस्थिति में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय ठाकुर साहब बाल सिंह जी, अध्यक्ष महोदय श्रीमान पुष्पेंद्र सिंह जी, विशिष्ट अतिथि महोदय राजेंद्र जी पुरोहित और स्थानीय सरपंच महोदया श्रीमती झूमी देवी ने सरस्वती माता को दीप प्रज्वलित कर ध्वजारोहण के साथ राष्ट्रगान के साथ ध्वजारोहण से कार्यक्रम का आगाज किया गया, जिसमें विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गई। विद्यार्थियों ने देशभक्ति गानों पर बड़े ही शानदार और भव्य नृत्यों की प्रस्तुतियां नन्हे मुन्ने बालकों के द्वारा दी गई। भाषण प्रतियोगिता भी रखी गई। गुब्बारा फोड़ प्रतियोगिता में सुरजपाल सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके उपलक्ष में 200 रुपए का इनाम देके सुरजपाल सिंह को सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दे रहे छात्र छात्राओं को भामाशाहों द्वारा समय समय पर पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस स्वतंत्रता दिवस समारोह पर मिठाई की व्यवस्था श्रीमान पुष्पेंद्र सिंह जी सन ऑफ मदन सिंह जी जेता की तरफ से की गई। इसके साथ ही आगामी 26 जनवरी 2022 के लिए भी कुछ घोषणाएं हुई हैं, जिनमें कक्षा प्रथम से लगाकर अष्टम तक सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए बैग की व्यवस्था श्रीमान मादा राम जी सन ऑफ तगा राम जी सुथार की तरफ से की गई। सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए कॉपी की व्यवस्था हरनाथा राम जी सुथार की ओर से की गई। आगामी 26 जनवरी में साउंड की व्यवस्था श्रीमान मोहन लाल जी मेघवाल के द्वारा की गई। इसके अलावा आगामी 26 जनवरी में भोजन की व्यवस्था सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए बाबूलाल जी डॉक्टर साहब एवं हीरा जी सन ऑफ सुता जी चौधरी की तरफ से की गई। इस अवसर पर गंगा सिंह जी राजपूत, नकुल सिंह जी राजपूत, मिश्रीमल जी लोहार, नातू राम जी लोहार, भमरा राम जी लोहार, करमी जी चौधरी, मादा राम जी सुथार, अरनाता राम जी, गणेशा राम जी, मोहन लाल जी, दिनेश जी, लाखा राम जी, खेता राम जी के साथ बगदा राम जी एवं कई ग्रामवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम में मौजूद रहे। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने सभी विद्यालय में पधारे हुए मेहमानों का स्वागत एवं आभार व्यक्त किया। तत्पश्चात सभी छात्र एवं छात्राओं को मिठाई एवं इनाम वितरित करके कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की गई। प्रधानाध्यापक ने पुनः विद्यालय में पधारने वाले सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन एवं उनका आभार व्यक्त किया।